हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं करना चाहती थी पहले, क्योंकि उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मजबूरी से करना ही पड़ा है। मजबूरी क्या, मतलब मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर करना ज़रूरी है। दरअसल दो दिन, मतलब एक हफ्ता से लालिका तो थोड़ा सा बीमार चल रही थी ना, दिखाया था मैं सुबह सुबह स्कूल गई है, स्कूल थोड़ा सा कम हुआ था, स्कूल गई है। उसके बाद स्कूल से इसको मैडम रिपोर्ट किया है और उसको आना पड़ा, फिर से दर्द हो रहा था, फिर से उसका तबीयत खराब हुई थी, वो बहुत हिल रही है। अभी उसको लेके जा रहे हैं गुवाहाटी हॉस्पिटल, नारायण हॉस्पिटल, तो देखते हैं वहाँ पर जाके क्या होता है, क्या नहीं, क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं अगर कोई टेस्ट वगैरह देंगे तो ज़रूर करा के उसको ठीक करना है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार, बच्चे की माँ बता देते बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, तो पहले सब कुछ तो शेयर करते तो ज़रूरी है, ये भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो यही है, ये बहुत, ये सिर्फ खाली सिर्फ पेट में दर्द नहीं है, उसमें वो दवाई खाने के बाद उसको पूरा शरीर में एलर्जी जैसी हो रही है, पूरा शरीर में ऐसे दफा दफा सा हो रहा है, तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा चिंता की बात हो रही है। तो इसलिए डॉक्टर को दिखा देती हूँ पहले, तो दिखाने के बाद क्या होता है देखते हैं। हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और अभी ये कितना बड़ा हॉस्पिटल देख रहे हो, ये हॉस्पिटल का एड्रेस है नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एड्रेस है नियर तोलाराम बाफना मेडिकल कॉम्प्लेक्स अमीनगांव गुवाहाटी। तो यहाँ पर ये पीछे दिख रहा है, तो यहाँ पर नाम लिखाना पड़ता है, पर्ची लिखा, मतलब फाइल देंगे, फाइल देते हैं। ये एक मंदिर है हॉस्पिटल के कॉर्नर में, बहुत सुंदर से मंदिर है गणेश जी की, और ये यहाँ पर ये बहुत सारे भीड़ लोग हैं, तो इसमें ज़्यादा बात नहीं कर सकते ना, हॉस्पिटल के बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो हम बैठे हुए हैं, पर्ची काटना हो रहा है, गए हैं इसके पापा पर्ची देने के लिए। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कहाँ क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है, पहली बार आया है इस हॉस्पिटल को। तो देखते फिर 40 स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा, मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है क्योंकि हॉस्पिटल है ना, बहुत ज़्यादा दूर से बात नहीं कर सकता, मास्क की वजह से और भी कम आ रही है। चलो आप ही देते रहेंगे, अभी डॉक्टर मिल जाए तो डॉक्टर दिखाई देंगे। तो अभी यहाँ पर कुछ ये एड्रेस, सब एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, और एड्रेस मतलब एक ये देख फॉर्म देते हैं, उसमें पूरा फिलअप करके देना पड़ता है। तो ये फिलअप कर रहे हैं खुशी के पापा, और उसके बाद ये मिला है फाइल। तो हम डॉक्टर के चैम्बर के सामने खड़ा हो गए हैं, डॉक्टर मीनाल बोराली,
इनको हमने मतलब उनका नाम मिला है, हम उनको दिखाएंगे। तो वहाँ से डिसाइड करके देते हैं मतलब आप कौन सी डॉक्टर को दिखाते हैं कौन सी नहीं। तो डॉक्टर दिखा दिए हमने, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए दिया है, तो अल्ट्रासाउंड के लिए हम यहाँ पर आगे बैठे हैं। हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं और अल्ट्रासाउंड के लिए नंबर नहीं आया, तो अभी आ जाएगा बोला। तो हम अल्ट्रासाउंड करके फिर हम आ गए लंच करने के लिए। यहाँ पर सुना है कैंटीन है, तो ये पीछे के साइड में, तो हम जा रहे हैं यहाँ पर कैंटीन के खाने के लिए। तो अभी आ गए हम कैंटीन में, तो कैंटीन में अभी हमने वेज थाली लिया है और बहुत अच्छा था खाना वहाँ पर, सादा सीधा खाना मिला, बहुत अच्छा लगा। तो फिर दिल में बहुत थोड़ा सा डर डर था, मतलब क्या होगा रिपोर्ट में, रिपोर्ट तो हमने अभी तक लिया नहीं। अल्ट्रासाउंड करके फिर खाना खाने के लिए आ गए थे, तो खाना खा के निकल गए हम यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ। फिर से आ गए, हॉस्पिटल बहुत बड़ा है हॉस्पिटल, हमको यहाँ पर हमारा रिपोर्ट भी मिल गया है और रिपोर्ट लेके फिर हॉस्पिटल में ही है फार्मेसी, तो फार्मेसी से दवाई ले रहे हैं। हम इधर बैठे हुए हैं, दवाई लेके हम बाहर निकल गए हैं। और रिपोर्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, मतलब इतना ज़्यादा बुरा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम था, तो दवाई दे दिया डॉक्टर ने और दवाई लेके हम घर की तरफ फिर से आ गए हैं। तो ये शरारी घाट का पुल है, तो मैं सोचा फिर से और एक बार आपको दिखा देती हूँ अच्छी तरह से, बहुत सुंदर लग रहा है। तो हम घर में आ गए हैं वहाँ से, और बहुत ज़्यादा थके हैं, परेशान हो गए थे। थैंक गॉड, भगवान ने मतलब अच्छा कर दिया, कुछ बुरा नहीं निकला वो टेस्ट में, टेस्ट भी अच्छा आ गया, जो थोड़ा बहुत है वो दवाई दिया है डॉक्टर ने, और ये टेबल में रखा हुआ है, तो इतने दवाई से ठीक हो जाएगा बोला डॉक्टर ने, तो अच्छा लगा ये सुन के। नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी मैं, बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो गया बच्ची को, तो बहुत ज़्यादा ये हो गए क्योंकि। और अभी वहाँ से आने के बाद वो घर में बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं उन लोगों को स्कूल छोड़ के स्कूल बस में बिठा के फिर आके मैं एक्सरसाइज करने लगी थी, और इसके बाद मैं कोई काम नहीं, मतलब सुबह का जितना काम था वो करने के बाद और इसके बाद जो काम है वो नहीं किया है, और एक्सरसाइज करने लगे। उसी टाइम ही मैडम को फ़ोन आ गया जो उसका पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर तुरंत मैं चली गई, कुछ खाया भी पिया भी नहीं, और उसी टाइम भी चली गई उसको लेके आके। फिर इसके पापा भी आए, उनको फ़ोन किए थे, वो फिर आके फिर चले गए उसको लेके फिर हॉस्पिटल में, तो इसी वजह से कुछ खाना पीना भी नहीं हुआ। और वहाँ पर फिर आपने तो देखा ही होगा, ये हमने उस वहाँ पर कैंटीन में लंच कर लिया है, बहुत ज़्यादा काम था, तो ये अभी मैंने शुरुआत ही किया पढ़ने के बाद, अभी नहा धो के अभी थोड़ा रिलैक्स होकर बैठी हूँ, और थोड़ा सा मतलब चाय पीने का मन कर रहा था, इसी टाइम मैं चाय नहीं पीती, लेकिन भूख थोड़ा सा लग रही है क्योंकि लंच हमने सुबह जैसे कुछ नहीं खाया था, तो लंच हमने किया था जैसे 15 में, तो इसी टाइम काफ़ी देर हो गई तो भूख लग रही है, तो मैं थोड़ा सा चाय बना लगी, इसी टाइम से मैं चाय नहीं पीती। तो इस काम की वजह से और परेशानी की वजह से मैं बहुत ये है, और ये वीडियो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करूँगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और मेरे साथ बने रहना, मुझे सबका आशीर्वाद की और साथ की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ जो नए हैं मेरे चैनल को सपोर्ट कर देना, जो पुराने मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मेरे वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।